नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि कैसे हम बचे हुए छोटे छोटे कपड़े में से बहुत ही शानदार बेबी ड्रेस बना सकते हैं। तो ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है, इसके विड्थ है 11 इंच और इसमें से हम 9 इंच पे इधर मार्किंग कर रहे हैं, तो इसको 11x9 इंच का हम कपड़ा कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप भी इसी प्रकार से बचे हुए कपड़ों में से बच्चों के लिए बहुत ही शानदार ड्रेसेस बना सकते हैं, अपनी पसंदीदा ड्रेसेस बना करके पहना सकते हैं। तो ये मैंने कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं 4 इंच, इधर डाउन में 3.5 इंच, इसको इधर मिला देंगे और यहाँ पे हम हाफ इंच का राउंड देंगे। अब इस साइड में हम करेंगे 2.5 इंच, डाउन 1.5 इंच और दूसरा डाउन लेंगे हम 3 इंच पे। इनको इस प्रकार से मिला करके दोनों में राउंड दे लेंगे। अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे जो हमने मार्किंग किया उसके ऊपर से, इधर से हो गया है और दूसरी साइड में 1.5 इंच पे जो मार्किंग है उसके ऊपर से कपड़े को कट करेंगे। अब एक पीस को हटा देंगे और ये जो अब यहाँ पे 3 इंच वाली मार्किंग है उसके ऊपर से भी हम कट कर लेंगे इसको। अब इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, सेंटर से कट करेंगे। ये ड्रेस की चोली की कटिंग हो गई है। अब नीचे की साइड में कपड़ा 4 लेयर में फोल्ड, 3 इंच एक्स्ट्रा है, 10 इंच इसकी लेंथ है। तो स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले हम चोली की सिलाई करेंगे, राइट साइड अंदर रखेंगे और दोनों को इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और यहाँ पे शोल्डर्स को अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच हो जाने के बाद अब जो इस शोल्डर आर्म होल है इसमें हम पाइपिंग निकालेंगे। आप जो इसमें मैचिंग का कपड़ा हो उससे आप पाइपिंग निकाल सकते हैं, जिस प्रकार से आपने कपड़ा लिया है उसी की मैचिंग के अनुसार। तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर की पाइपिंग निकाल रही हूँ। दोनों साइड में हो गया है। अब हम साइड वाली सिलाई लगाएंगे। ये हम हाफ इंच कपड़े को दबाते हुए लगाएंगे। अब इसको राइट साइड में टर्न करेंगे। उसके बाद जो नीचे वाला कपड़ा हमने लिया था ये इसके घेर के लिए है, तो इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और फ्रेंड्स, आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आते हैं लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं। अब हम चोली लेंगे और उसके ऊपर जो नीचे घेर वाला कपड़ा है उसको रखेंगे, राइट साइड दोनों के अंदर रहेंगी और यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स लगाते हुए इसको एक छोर से दूसरे छोर तक अटैच कर देंगे। तो ये भी अटैच हो गया है। अब जो आगे वाला ओपन हिस्सा है इसके लिए हम दो स्ट्रिप लेंगे। एक स्ट्रिप यहाँ पर 2 इंच का लिया है, इसको राइट साइड में हमको अटैच करना है। डबल करके अटैच करेंगे और अटैच हो जाने के बाद इसको वापस फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, इसमें टॉप सिलाई दे देंगे। अब जो दूसरा है उसका हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा विड्थ में लिया है स्ट्रिप, ये 3 इंच का है, इसको भी अटैच करेंगे। इसको सिंगल में अटैच करेंगे और इसको यहाँ से मोड़ लेंगे और दूसरी साइड में टर्न करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। दोस्तों, वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उनको लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। अब यहाँ पर हमने एक तिरछी पट्टी ली है, ये नेक के लिए है। अब हम नेक में पाइपिंग निकालेंगे, इसको भी राइट साइड में अटैच करके अंदर की साइड मोड़ करके पतला पाइपिंग लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, आपको बच्चों की ड्रेस में कोई नया डिज़ाइन चाहिए तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो जैसे आपका डिज़ाइन आप बताएंगे उसके अकॉर्डिंग में मैं वीडियो बनाने का पूरा प्रयास ज़रूर करूँगी। तो ये बेबी ड्रेस रेडी हो गया है। ये बेबी गर्ल के लिए मैंने बनाया है। ये है 1 ईयर बेबी के लिए
अगर बच्चा हेल्दी है तो उसमें आप नाप में थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें आप चाहे तो बटन या फिर हुक अटैच कर सकते हैं।